तो लास्ट टाइम हमने मॉड्यूलेशन की थी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तरह और मॉड्यूलेशन भी पॉसिबल है. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या चीज़ सीखी थी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट होता है, चेंज होता है. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आज हम करेंगे जिसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होती है. फेज मॉड्यूलेशन जिसमें फेज चेंज होता है, जैसे ये आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है. ये बढ़िया डायग्राम नहीं है फेज का. फेज मॉड्यूलेशन ऐसा होता है जैसे क्रेस्ट के बाद क्या आना चाहिए, ट्रफ. क्रेस्ट के बाद क्रेस्ट ही आ जाता है, इसका मतलब फेज चेंज हो गया ऐसा. तो ये डायग्राम सही नहीं है. और उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कहीं फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कहीं फ्रीक्वेंसी कम है. तो ऐसा कुछ डायग्राम है, ये करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर आपके पास फिर से एक बार क्या होगा, दो वेव्स हैं. एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जो एक्चुअल सिग्नल है, एक कैरियर वेव है और एक मॉड्यूलेटेड वेव है. अब होगा क्या, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें क्या चीज़ मॉड्यूलेट होगा, चेंज होगी फ्रीक्वेंसी. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या चीज़ चेंज हो रही थी, एम्पलीट्यूड. तो इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, एक होगी मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, एक हो रही है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एक था ए मिनिमम, एक था ए मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी चेंज ही नहीं होती थी एम के अंदर. इसके अंदर एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, इसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी होगी मिनिमम, एक फ्रीक्वेंसी होगी मैक्सिमम. तो अगर आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और कैरियर का डिफरेंस निकाल लें या कैरियर और मिनिमम का डिफरेंस निकाल लें, तो इनके डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा डेविएशन. डेविएशन तो एक टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स. जैसे एएम में किया था ऐसे एफएम में किया. एफएम में मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन यानी कि डेल्टा डिवाइडेड बाय मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी. मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो एक्चुअल सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी. हालांकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं है, बस डेफिनेशन देके इसने छोड़ दिया क्योंकि क्वेश्चन जो आने के चांस है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे है, क्वेश्चन एम के ऊपर आएगा. इसे फॉर्मूला तक भी नहीं लिखा इसका, ठीक. इसके बाद इसमें यह पता होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं हम, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में जैसे ये एफ सी है, अगली फ्रीक्वेंसी एफ सी प्लस एफ एम है, अगली फ्रीक्वेंसी एफ सी प्लस टू एफ एम है, ऐसी यहाँ पर एफ सी माइनस एफ एम है, एफ सी माइनस टू एफ एम है, इस तरीके से. क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसमें चेंज हो रही हैं तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे अलग अलग जो है फ्रीक्वेंसीज इसमें चेंज हो रही हैं, बस ये याद रखना, मॉड्यूलेट हो रही हैं, ठीक. तो इसके अंदर बैंडविड्थ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बैंडविड्थ क्या लिखवाई थी, 2 into FM. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में बैंडविड्थ है 2N into मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी FM, 2N into FM, N टाइम्स. N टाइम्स का मतलब N क्या होता है, N होता है इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट साइड बैंड इन FM वेव्स. जैसे यहाँ पर मान लो कि इतने इंटरवल्स हैं, तो इसके अंदर साइड बैंड में कितने इंटरवल हैं, 1, 2 और 3. तो कितने इंटरवल आप बना रहे हैं उसको एन से मल्टीप्लाई भी करना होता है इसमें. तो ऐसा कुछ है. क्वेश्चन वैसे एएम पे आता है, एफएम पे आता देखा नहीं है. एफएम इज बेटर देन एएम. जो एफएम है वो एएम से बेटर है. रीजन, जब हमारे पास सिग्नल आता है वो खराब तब होता है जब 10 तरीके के सिग्नल उसमें मिक्स हो जाते हैं, इंटरफेयर हो जाते हैं और उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है और हम उस एम्पलीट्यूड को वापस ला नहीं पाते, लॉस ऑफ एनर्जी है. पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड कभी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है. 10 तरीके की इफ ऐड होंगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी. फ्रीक्वेंसी कैन बी रिस्टोर्ड. एक बार फ्रीक्वेंसी खराब होगी उसको फ्रीक्वेंसी को ठीक किया जा सकता है, एम्पलीट्यूड को ठीक नहीं कर सकते. इसलिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एफएम रेडियो ज़्यादा बेटर ट्रांसमिशन देता है एज कम्पेयर टू एम, ठीक है यहाँ तक. नेक्स्ट है, इसके अंदर ये टेबल आपको याद रखना है, आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आ जाता है क्वेश्चन, ये तो उल्टा उसमें भी आ सकता है आपके मेडिकल के अंदर भी, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैटेगरी में आ सकता है. ऑब्जेक्टिव्स कि एएम रेडियो की ट्रांसमिशन जो है फ्रीक्वेंसी का ये बैंड है, एफएम रेडियो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में ऑपरेट करते हैं तो 92.7 बीच में आता है. वीएचएफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इसके बीच में, और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी इस रेंज में जाता है. तो रेंजेस हैं ये. इसके बाद जो नेक्स्ट है वो एक डायग्राम है किसका, स्क्वेयर लॉ मॉड्यूलेटर. मॉड्यूलेटर क्या चीज़ है, एक मशीन होती है जो क्या करती है, मॉड्यूलेशन करती है. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को मिक्स करती है, इंटरफेयर करती है कैरियर वेव में. लेकिन वो मशीन कैसे काम करती है ये बताया गया है. तो मॉड्यूलेटर के अंदर ये रहा आपके पास एमटी का मतलब मैसेज सिग्नल, ये आपके पास कैरियर वेव है, प्लस का मतलब सुपर इम्पोज हो गया.
सुपरइम्पोज होके ये एक्स टी बनाएगा, नया वेव का फंक्शन आएगा. तो नई वेव आई, इसको स्क्वायर लॉ डिवाइस में एंटर करवाया जाता है. स्क्वायर लॉ डिवाइस क्या करता है, इसको एक नया फंक्शन बना के देता है, बी इंटू एक्स ऑफ टी प्लस सी सम कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर टी. मतलब ये एक्स ऑफ टी की वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट करके देता है, फिर ये फिल्टर के अंदर जाके ए एम वेव हम ट्रांसमिट करते हैं. तो आपको ये याद नहीं करना, बेसिकली ये बताया हुआ है कि जब आप एम टी और सी टी को ऐड करते हो, ये एम टी है ए एम साइन ओमेगा टी और ये सी टी है, तो एक्स टी बनता है. उसके बाद क्या होता है, वाई टी बनता है. वाई टी क्या है, बी इंटू एक्स टी सी इंटू एक्स स्क्वायर टी. ये रहा. तो आप एक्स टी की वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ पुट कर दो, पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ पुट कर दो, तो आपके पास वाई ऑफ टी की वैल्यू आएगी. सिंप्लीफाई करो, कुछ नहीं पढ़ना आपने, सिंप्लीफाई करके आपके पास ये इक्वेशन आएगी. ये देख रहे हो, आपके पास ये बहुत बड़ी इक्वेशन आएगी मॉड्यूलेटेड वेव की. ये रही क्वेश्चन, इसके अंदर कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट हैं. पहली फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है ओमेगा एम. ये देखो ओमेगा एम, ये रही ओमेगा एम. दूसरी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी. तीसरी फ्रीक्वेंसी टू टाइम्स ओमेगा एम. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी टू इंटू ओमेगा सी. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम. नेक्स्ट ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम. और वो पूछ सकता है कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी एब्सेंट है. तो आपको ये क्वेश्चन देख रखी होगी तो आइडिया हो जाएगा. वैसे क्वेश्चन आया नहीं इसके ऊपर, पर फिर भी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है तो मैंने इक्वेशन बता दी. इक्वेशन के ऊपर तो कुछ नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसीज कौन सी मिसिंग है ऐसा पूछ सकता है. ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट है, कुछ नहीं करना इसमें, सीधा इस एग्जांपल पे आते हैं. हमने एएम कर लिया. एएम के अंदर हमने मॉड्यूलेशन फैक्टर का पहला फॉर्मूला ये किया और दूसरा फॉर्मूला ये किया. एमटी पता है, सीटी पता है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ एएम वेव हमने की. इक्वेशन याद करने को कहा था, अपर और लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज मैंने आपको सिखा दी. इस शीट, ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. नॉन मेडिकल के स्टूडेंट सारे सॉल्व अनसॉल्व प्रॉब्लम करके ही जाएंगे, इसी से आपकी बात बन जाएगी. क्वेश्चन नंबर वन, तो इस क्वेश्चन में अ मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज़. तो सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की बात कर रहा है. तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एफएम गिवन है. पीक वोल्टेज ऑफ 10 किसकी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एएम गिवन है. एंड मॉड्यूलेट अ कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ, कैरियर की फ्रीक्वेंसी एफसी गिवन है. हैविंग अ पीक वोल्टेज ऑफ 10, तो कैरियर की वोल्टेज भी गिवन है. तो एएम पता है, एसी पता है, क्या निकालना है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स एएम बाय एसी आंसर. फिर क्या निकालना है, साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज. तो एक फ्रीक्वेंसी एफसी प्लस एफएम, एक फ्रीक्वेंसी एफसी माइनस एफ, दोनों फ्रीक्वेंसीज गिवन है, आंसर आएगा. ठीक है यहां तक. क्वेश्चन नंबर टू, साइनोसाइडल कैरियर वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट, तो क्या गिवन है, एसी. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय साइनोसाइडल वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज़, इसकी जरूरत नहीं है. बताऊं क्यों, बताता हूं क्यों. रिजल्टिंग इन मैक्सिमम मॉड्यूलेटेड कैरियर एम्पलीट्यूड एसी. तो क्या गिवन है, मैक्सिमम वोल्टेज गिवन है. इसमें आपको कितनी गिवन है, ए मैक्स कितनी गिवन है, 120 मैक्सिमम कैरियर एम्पलीट्यूड वोल्टेज 120, और आपको कैरियर वोल्टेज भी गिवन है कितनी है, 100. मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है जो कि एम बाई एसी होता है. अब एसी तो क्वेश्चन में गिवन है, एम नहीं गिवन, एएम की जगह ए मैक्स गिवन है. तो अगर आप ऊपर एएम के डायग्राम में जाओ जो मैंने आपको सिखाया था, इसमें ए मैक्स माइनस एसी क्या था, एएम. यहाँ डायग्राम से उसने इसको रेफर किया, ये देखो. तो इसके अंदर एएम की जगह ए मैक्स माइनस एसी आंसर. क्वेश्चन नंबर थ्री, मैक्सिमम पीक टू पीक वोल्टेज ऑफ एन एएम वेव इज 16, ये गिवन है, पीक टू पीक वोल्टेज 16 है. और मिनिमम पीक टू पीक वोल्टेज इज 8, मिनिमम भी गिवन है. हम जो ए मैक्स ए मिनिमम लेते हैं वो यहाँ से लेते हैं. तो अगर ये 16 है तो आधा कितना है, 8. तो अगर ये 8 है तो आधा कितना है, 4. तो ये ए मैक्स और ए मिनिमम आ गया, या ई मैक्स और ई मिनिमम आ गया. मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है, फॉर्मूला पुट करो आंसर. ठीक है यहाँ तक. क्वेश्चन नंबर फोर,
tuned circuit of oscillator in a simple AM transmitter uses a coil of inductor and shunt capacitor. L given hai, C given hai. So if oscillator output is modulated by audio frequency up to 5 kilohertz, what is the frequency range occupied by sideband? तो आपको वही निकालना है FC plus FM और FC minus FM, ये निकालना है आपको, right? तो rule number one, आपको L और C क्यों given है, हम तो किया ही नहीं. वो कह रहा है कि एक LC oscillator लगा हुआ है जो tuned है. LC oscillator क्या करता है, याद करो, EM waves. LC oscillator EM wave generate कर देता है resonance frequency पे. तो उसकी frequency क्या होती है, 1 by 2 pi under root of LC. तो जो भी ये frequency आएगी वो कैरियर फ्रीक्वेंसी होगी. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड 3 × 10⁸ है, वही तो कैरियर वेव होती है जिसकी स्पीड ऑफ लाइट है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव. तो ये कैरियर की फ्रीक्वेंसी गिवन है. और ये फ्रीक्वेंसी कौन सी गिवन है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल यानी कि एफएम गिवन है. तो आंसर आ गया, साइड बैंड क्या होगा, एफसी प्लस एफएम, एफसी माइनस एफएम आंसर. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन. तो नेक्स्ट है मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी. मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब एफएम गिवन है, पीक वोल्टेज 20 एएम गिवन है, यूज्ड टू मॉड्यूलेट अ कैरियर सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी गिवन है, हैविंग पीक वोल्टेज ऑफ 40 का मतलब एसी गिवन है. चारों गिवन है. क्या निकालना है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एएम बाय एसी आंसर. नेक्स्ट क्या निकालना है, साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, तो एफसी प्लस एफएम, एफसी माइनस एफएम. और अगर वो ये पूछ ले कि ड्रॉ दी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के लिए काम करना पड़ेगा, ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है याद करो एएम का, जिसमें ये एफसी है, एफसी पे एम्पलीट्यूड क्या था, एसी, और एफसी प्लस एफएम पे और एफसी माइनस एफएम पे एम्पलीट्यूड क्या था, म्यू एसी बाई 2. तो आप साइड पे निकालोगे म्यू एसी बाई 2 10, तो यहाँ 10 और 10 लिखोगे यहाँ पे. ठीक है यहाँ तक. क्वेश्चन नंबर 6, साइनोसाइडल कैरियर वोल्टेज इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय साइनोसाइडल वोल्टेज ऑफ 10 किलोहर्ट्स टू अ डेप्थ ऑफ 30%. डेप्थ ऑफ 30% का मतलब होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स 30%, 30/100 है. तो डेप्थ का मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स गिवन है. तो कह रहा है एक वोल्टेज है, एक जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, एफ एम गिवन है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स गिवन है, एम्पलीट्यूड ऑफ 2 साइडबैंड निकालो, कैरियर की फ्रीक्वेंसी एफ सी गिवन है और एम्पलीट्यूड ए सी भी गिवन है. तो साइड बैंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम. और एम्पलीट्यूड निकालो साइड बैंड का, म्यू इंटू ए सी बाय 2. सारे क्वेश्चन तो एक जैसे हैं. क्या कर रहा है, लोअर और अपर की साइड बैंड फ्रीक्वेंसी निकाले जा रहा है या मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाले जा रहा है. ठीक, जैसे ये क्वेश्चन भी सेम है, सेम क्वेश्चन है, सेम है. नाइन्थ, नाइन्थ में एन ऑडियो सिग्नल इज गिवन बाय, देखो क्या गिवन है, एनटी. इसको कंपेयर करके ये क्या आएगा, एएम, कैपिटल एएम. ये क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एफएम, ओमेगा 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, तो ये एफएम आ जाएगा. ये क्या आएगा, एसी. ये क्या आएगा, एफसी. तो क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन. तो एएम, एफएम, एसी, एफसी, मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ गया. नेक्स्ट पार्ट में मॉड्यूलेशन कंपोनेंट्स ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव क्या है. तो कंपोनेंट्स ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव क्या होती है, मॉड्यूलेटेड वेव में पहला कंपोनेंट होता है एफसी, दूसरा होता है लोअर साइड बैंड एफएम, एफसी प्लस एफएम, दूसरा एफसी माइनस एफएम, और लास्ट क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड म्यू इंटू एसी बाय 2. निकालना नहीं इसने, म्यू इंटू एसी बाय 2 निकालना चाहिए था. सेम क्वेश्चन है फिर से, ये वाला क्वेश्चन आता है ऐसा क्वेश्चन मेंस में.
bandwidth of 5 megahertz is available for AM. आप गवर्नमेंट के पास जाते हो, आप कहते हो मेरे को ना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करनी है, रेडियो स्टेशन खोलने हैं, तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है मैं तुम्हें 5 मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ दे देती हूँ, खोल लो रेडियो स्टेशन. इफ द मैक्सिमम ऑडियो फ्रिक्वेंसी यूज फॉर मॉड्यूलेटिंग द कैरियर इज नॉट टू एक्सीड 5 किलोहर्ट्ज़. अब ऑडियो फ्रिक्वेंसी गाना भी तो चलाओगे, उस गाने का FM कितना है, एफ ऑफ एफ के पैर में M, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेशन कितना है, 5 किलोहर्ट्ज़. How many stations can be broadcast within this band simultaneously? ऐसे कितने स्टेशन खोले जा सकते हैं इकट्ठे, ये बताओ. तो टोटल बैंडविड्थ हमें कितनी गिवन है, 5 मेगाहर्ट्ज़. जब एक गाना चलेगा ऑडियो तो उसकी फ्रिक्वेंसी FM इतनी है, तो बैंडविड्थ कितनी ऑक्यूपाई करेगा. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बैंडविड्थ क्या होती है, 2 into FM. ये किया था 2 into F of M. एक गाने की, एक सॉन्ग की ये बैंडविड्थ है ऑडियो की, टोटल बैंडविड्थ इतनी है, एक गाना चलेगा तो इतनी बैंडविड्थ है, तो इकट्ठे कितने गाने चल सकते हैं, डिवाइड कर लो 500 स्टेशन इकट्ठे खुल सकते हैं. आंसर ठीक है यहां तक. तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ऑडियो फ्रिक्वेंसी को आपको, अगर ऑडियो फ्रिक्वेंसी गिवन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके बैंडविड्थ निकालना पड़ेगा. कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऑडियो फ्रिक्वेंसी की बैंडविड्थ ही दे देता है, फिर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना. अगर FM फ्रीक्वेंसी गिवन है फिर 2 से मल्टीप्लाई करके बैंडविड्थ करना है, क्योंकि मेरे को रेशियो बैंडविड्थ बाय बैंडविड्थ चाहिए. तो अगर आपको बैंडविड्थ टोटल भी गिवन है और एक गाने की बैंडविड्थ ही गिवन है, सीधा डिवाइड कर दो. पर अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है गाने की ऑडियो की, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके पहले बैंडविड्थ निकालो. ठीक, बाकी ये होमवर्क है, ये कुछ नहीं है, सेम है, सॉल्व अनसॉल्व पक्का करना मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है, ये कर लो. 13th क्वेश्चन कर सकते हैं. 13th नेक्स्ट है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड एज, ये रहा पूरा का पूरा उसने इक्वेशन दे दी मॉड्यूलेटेड वेव की. व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ AM वेव, इंपॉर्टेंट है ये, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन में बता रहा हूँ, आज के कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे इसे. तो कह रहा है कि इसमें मॉड्यूलेटेड वेव का ए मिनिमम और ए मैक्सिमम बताना है क्या होगा. एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन है ना, आप इसे कंपेयर करो इससे, इससे कंपेयर करो, क्योंकि मॉड्यूलेटेड वेव की क्वेश्चन ये मैंने आपको करवाई थी, वो अलग बात है, सॉल्व करके बहुत लंबा रिलेशन आया था. अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की थ्योरी चेक कर लो, ये इक्वेशन मैंने करवाई, इसके अंदर सॉल्व करके AC कितना है, 5 आ गया, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना है, 0.6. तो यहां से इसे कंपेयर करके क्या आ जाएगा, FM आ जाएगा, ओमेगा एम आएगा तो FM आएगा, इसे कंपेयर करके ओमेगा सी आएगा, FC आ जाएगा, ओमेगा एम आ गया, ओमेगा सी आ गया, तो FM FC आ गया. मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है वो होता है, इधर देखो, AC माइनस AM, जो A मिनिमम है चेक करो अपनी थ्योरी, A मिनिमम होता है, AC में से AM माइनस करेंगे A मिनिमम आ जाएगा. तो A मिनिमम की जो वैल्यू है वो AC माइनस AM, और AM क्या होता है, म्यू टाइम्स AC, तो आपको AC पता है, म्यू टाइम AC पता है. आंसर मैं आपको ये भी इसकी जगह एक शॉर्टकट बताता हूँ जो मैं करता हूँ, मैं इस इक्वेशन को देख लेता हूँ, देख लिया, जब इस फॉर्मेट में इक्वेशन होना इसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 into 1 5, 5 into 0.6 is 3, तो एक जो 5 है और 3 दो आंसर आएंगे. जो 5 आएगा, जो 5 की वैल्यू आएगी वो इसका क्या होगा, A ऑफ C की वैल्यू होगी, राइट. तो
पांच और तीन बोला ना मैंने, इसको मल्टीप्लाई करके इतना आया, पांच और तीन, नहीं चलेगा नहीं वो मेथड, नहीं मैंने ऐसे सोचा था, पांच और तीन आ गया ना, हाँ राइट सही है हो जाएगा, पांच और तीन आ गया, पांच और तीन में या तो पांच प्लस तीन ए मैक्स देगा और पांच माइनस तीन ए मिनिमम देगा, हाँ याद आ गया ऐसे किया था। तो इसमें देखो एक्चुअल मेथड तो यही है, पर शॉर्टकट ऐसे कर सकते हो कि इसमें पांच को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू आएगी ए सी, एक आएगा ए एम, तो ए सी प्लस ए एम, ए सी माइनस ए एम, तो सीधा पांच प्लस तीन, पांच माइनस तीन, सीधा आंसर आठ और दो के बीच में आ जाएगा, शॉर्टकट हो गया। ठीक है यहां तक, तो एम्पलीट्यूड ऑफ थ्री कॉम्पोनेंट्स, कॉम्पोनेंट्स पता ही है, एक तो लोअर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड और एक कैरियर का एम्पलीट्यूड आंसर। ठीक है, ये सारी अनसॉल्व आपने करनी है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत फायदा होगा, इसमें से क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। इसके बाद जो अगला पार्ट है वो है एंटीना, एंटीना का पहला काम, एंटीना सिग्नल को लेगा और वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, या एंटीना वोल्टेज को ईएम वेव में या वेव में कन्वर्ट करेगा, दोनों काम करता है। एंटीना कई टाइप के हैं, एंटीना में पहला एंटीना डायपोल एंटीना, ये जो टावर लगा हुआ है हर तरफ सिग्नल को भेजता है, इसको डायपोल एंटीना बोलते हैं, अंडरलाइन कर लो, लेंथ ऑफ डायपोल एंटीना इज ऑलवेज इक्वल टू लैम्डा बाई टू, जो डायपोल एंटीना है उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, लैम्डा बाई टू के इक्वल होती है, बस ये याद कर लो। ठीक, इसके बाद है डिश एंटीना, डिश एंटीना टाटा स्काई और डीटीएच में लगा होता है आपके घर पे, इसकी जो पावर है, गेन है डिश एंटीना का, आता नहीं क्वेश्चन मार्क कर लो, 6 इनटू डायमीटर बाय लैम्डा का स्क्वायर, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द डिश, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ ऑफ द वेव, तो ये गेन ऑफ द डिश एंटीना है, तो अगर यूज हुआ तो हम यूज कर लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है रिसीवर, रिसीवर में डी मॉड्यूलेटर लगा होता है, सबको पता है डी मॉड्यूलेटर का, डी मॉड्यूलेटर में सबसे पहले डिटेक्टर लगा होता है जो वेव को डिटेक्ट करता है, तो ये याद रखो कि ये इनपुट वेव आई हवा में, एंटीना ने कैच किया तो ऐसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आएगी, उसको फिर पास किया जाता है रेक्टिफायर में से, रेक्टिफायर नीचे का सिग्नल उड़ा देता है, फिर उसको पास किया जाता है एनवेलप डिटेक्टर में से, वो मशीन क्या करती है इसको हटा देती है और ऊपर ऊपर पीक्स को रख लेती है, ये आपकी आउटपुट है, ये डिटेक्टर पे लगा होता है, आता नहीं है क्वेश्चन, बस बता रहा हूँ कि ये टाइप का सिग्नल है, ऐसा कुछ है। इसको और डिटेल में जाएंगे तो सेम है डिटेक्टर का, सेम डायग्राम है, पहला डायग्राम है एलसी एंटीना, एंटीना में एलसी का कॉम्बिनेशन होता है, एंटीना जो है एल और सी का बना होता है, वो ट्यून करना होता है ना हमने फ्रिक्वेंसी के साथ, तो ये क्या है, ये डिटेक्टर लगा हुआ है जो एएम वेव को डिटेक्ट करेगा, फिर डायोड लगाते हैं, डायोड क्या ऐड करता है, रेक्टिफायर, सेम चीज कह रहा हूँ, ये देखो डिटेक्टर, डिटेक्टर है जो एलसी डिटेक्ट करता है, डायोड रेक्टिफायर करेगा, देखो डायोड रेक्टिफाई करेगा, और लास्ट में फिर से आर और एल लगा होता है, सी और एल लगा होता है, सी और आर, सी और आर क्या करता है, ये टॉप का एनवेलप बाहर निकाल देता है और ये फिल्टर की तरह काम करते हैं, कैपेसिटर फिल्टर की तरह काम करता है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें से, कोई नहीं आएगा, आपको एक चीज सीखनी है सिर्फ, वो ये कि एक एलसी लगा होता है एंटीना में, डायोड रेक्टिफायर है, और एक एलसी लगा होता है आउटपुट में, जो आउटपुट में आर और सी लगा होता है, लोड रेजिस्टेंस और सी लगा होता है, ये बड़ी काम की चीज है, क्योंकि इसके ऊपर ये फॉर्मूला मार्क करो, बस ये बॉक्स में डालो, होता क्या है, सिग्नल रिसीव हुआ, जो सिग्नल रिसीव हुआ वो सिग्नल वापस उसमें से एक्चुअल सिग्नल को निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है, ये फैसला करना पड़ेगा, कई बार सिग्नल इतना खराब हो जाता है कि उसमें से एक्चुअल सिग्नल निकलता ही नहीं है, लेकिन कई बार सिग्नल बाहर निकल आता है, तो ये कंडीशन है कि अगर आर एल और सी डैश जो हमने आउटपुट में लगाया था यहाँ पर आर एल और सी डैश, तो आप क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट ले लेंगे, अगर ये प्रोडक्ट 1/ कैरियर फ्रिक्वेंसी से बड़ा है या फिर 1/ मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी से छोटा है तो आपका सिग्नल क्या कर सकता है, रिकवरी उसकी हो सकती है, अदरवाइज अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है रिकवरी नहीं होगी, तो ये बॉक्स में डाल लो, हालांकि इसने यहाँ भी डाल रखा है, डायपोल एंटीना की लेंथ लैम्डा बाई टू जो मैंने मार्क करवाया, और सेटिस्फैक्ट्री डिटेक्शन ऑफ डायोड कि डायोड सही काम कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है सिग्नल को, नहीं कर रहा, ये कंडीशन है। इसके बेस पे जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको निकालना है लेंथ ऑफ हाफ वेव डायपोल, डायपोल का मतलब डायपोल एंटीना की लेंथ निकालो जिसकी फ्रिक्वेंसी गिवन है, देखो फ्रिक्वेंसी गिवन है, सी गिवन है, तो ऐसे लैम्डा आ जाएगा, और डायपोल की लेंथ क्या होती है, लैम्डा बाई टू आंसर,
फिर दूसरा केस है फ्रीक्वेंसी इतनी है, सेम रिपीट कर दो सेम पार्ट, फ्रीक्वेंसी की मैंने लैमडा निकाल लो लैमडा बाई टू। ये पहला क्वेश्चन है। इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन है इन ए डायोड एएम डिटेक्टर, फिर से डिटेक्टर के ऊपर क्वेश्चन है, एएम डिटेक्टर जो भी मैंने मशीन दिखाई, आउटपुट सर्किट कंसिस्ट ऑफ आर एंड सी, उसमें आउटपुट में आर और सी लगा हुआ है, वो वैल्यू दे रहा है, कैरियर सिग्नल ऑफ 100 किलो हर्ट्ज इज टू बी डिटेक्टेड, तो कैरियर सिग्नल एफ ऑफ सी गिवन है, कह रहा है क्या ये गुड है, क्या ये इसको डिटेक्ट कर पाएगा, देख लो करके, आपको इसमें आर और सी गिवन है और एफ सी गिवन है, तो अगर आर सी 1 बाई एफ सी से बड़ा है तो हाँ डिटेक्ट कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो आर और आप आर और सी अलग निकाल लो, 1 बाई एफ सी निकाल लो, अगर आर सी बड़ा है इससे तो यस डिटेक्ट कर पाएगा, और अगर नहीं तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, कंडीशन चेक कर लो बस। तो अगर क्वेश्चन आया तो ऐसा आ सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें ट्रांसमिशन के बारे में ये गिवन है कि एक मीडियम होता है ट्रांसमिशन मीडिया, जो है मीडिया का मतलब किसमें सिग्नल ट्रेवल करेगा, वायर में करेगा, वायरलेस करेगा, वो डिवाइड किया जा सकता है दो कैटेगरी में, पहला गाइडेड, गाइडेड का मतलब वायर के अंदर जाना गाइडेड, और एक होता है अनगाइडेड, अनगाइडेड का मतलब हवा में सिग्नल जाना। तो गाइडेड अगर वायर में जाएगा तो कौन सी वायर यूज करोगे, ऑप्टिकल करोगे, कोएक्सियल करोगे, या ट्विस्टेड पेयर करोगे जिसमें दो तारें लिपटी होती हैं, या फिर अनगाइडेड करोगे, ऐसी लाइन कॉम्युनिकेशन होता है, लाइन वायर्ड कॉम्युनिकेशन को लाइन कॉम्युनिकेशन बोलते हैं, गाइडेड और लाइन कॉम्युनिकेशन एक ही बात है। ऑप्टिकल जो कॉम्युनिकेशन है, इसमें टेबल गिवन होगा कहाँ पे है, नहीं गिवन, अनलाइन करना पड़ेगा। तो कोएक्सियल जो केबल है उसकी बैंडविड्थ 750 होती है, 750 मेगाहर्ट्ज़ होती है। ऑप्टिकल कॉम्युनिकेशन की जो इज कैरिड ऑन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 1 से लेके 1000, कौन से हर्ट्स हैं ये, टेरा हर्ट्स होगा, 10 की पावर 12, राइट। मेंस वालों ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, ऑप्टिकल की रेंज बोलो क्या होगी, याद करना पड़ेगा, अनलाइन कर लो। तो ऐसे ही स्पेस कम्युनिकेशन के अंदर रेंज याद करेंगे, फ्यू किलो हर्ट्स से गीगा हर्ट्स के बीच में रहती है। हाँ ये टेबल ये रहा, एम ब्रॉडकास्ट की ये फ्रीक्वेंसी रेंज है, एफएम की ये है, टेलीविजन की ये है, सेलुलर की ये है, सेटेलाइट की ये है, सेटेलाइट में अगर ऊपर भेजना है डेटा तो ये है, नीचे आएगा तो ये है, अलग अलग होती है। तो और इसमें क्या करना है, डन, ठीक। अगला क्वेश्चन जो मेंस का, देखो ज़्यादातर दो टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे मेंस में, या तो एम के ऊपर आएगा या इसके ऊपर आएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो नंबर ऑफ चैनल्स इज टोटल बैंडविड्थ ऑफ चैनल अपॉन बैंडविड्थ नीडेड पर चैनल। जैसे मैंने टेलीफोन एक्सचेंज खोलनी है, टेलीफोन एक्सचेंज के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने गया और गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हें बैंडविड्थ टोटल मिलेगी 100 मेगाहर्ट्ज़ की। बैंडविड्थ वर्ड यूज कर रहा हूँ कि आप टेलीफोन चलाओ 100 मेगाहर्ट्ज़ आप हमसे ले लो। एक टेलीफोन जब चलता है तो वो 2 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी यूज करता है। ऐसे साइमल्टेनियसली कितने टेलीफोन इकट्ठे चल सकते हैं मेरे एक्सचेंज में, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 50, 50 टेलीफोन की एक्सचेंज है, ऐसा आएगा। तो ये फॉर्मूले के बेस पे बस ये कर लो, आपका मेंस का क्वेश्चन तो पक्का ठीक है, उठा के यही डाल रखा है मेंस के अंदर। देखो माइक्रोवेव टेलीफोन लिंक ऑपरेटिंग एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 गीगाहर्ट्ज़, माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी गिवन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, तो मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि तुम माइक्रोवेव से काम करो और तुम इतनी फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकते हो। इफ 2% ऑफ दिस इज अवेलेबल फॉर माइक्रोवेव कम्युनिकेशन चैनल, जो मुझे मिली, गवर्नमेंट के पास तो इतनी है या कंपनी के पास तो इतनी है, पर मेरे को वो सिर्फ कितनी दे रहे हैं इसका, 2%, कहते तुम 2% ले लो इसकी फ्रीक्वेंसी। तो कह रहे हाउ मेनी टेलीफोन चैनल्स कैन साइमल्टेनियसली बी ग्रांटेड, कितने इकट्ठे फोन चल सकते हैं, अगर एक टेलीफोन जो है बैंडविड्थ कितनी यूज करता है 8 किलोहर्ट्ज़, तो मेरे को फ्रीक्वेंसी 10 गीगाहर्ट्ज़ में इतने हर्ट्ज़ मिली, पर ये तो टोटल फ्रीक्वेंसी थी, टोटल बैंडविड्थ थी, मेरे को कितनी मिली सिर्फ इसका 2% ही आ गया। एक टेलीफोन इतना यूज करता है बैंडविड्थ, तो टोटल बैंडविड्थ को एक टेलीफोन की बैंडविड्थ से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएंगे, नंबर ऑफ टेलीफोन आ जाएंगे। समझ में आया कैसे करना है, तो कुछ भी नहीं है, टोटल बैंडविड्थ को एक फोन की बैंडविड्थ से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ चैनल्स आ जाएंगे या नंबर ऑफ फोन्स आ जाएंगे। जैसे फिर से देखो, एज्यूम दैट लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन, लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन है, इज यूज इन ऑप्टिकल सिस्टम, ठीक है,
लाइट कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है लाइट यूज करो ऑप्टिकल सिस्टम में, इफ 2% ऑफ द बैंडविड्थ इज यूज्ड तो मैं कितनी यूज करूंगा इसका, सिर्फ 2%। टीवी चैनल कैन बी अकोमोडेट हो सकते हैं इस बैंडविड्थ में, बताओ कितने टीवी चैनल हम यूज चला सकते हैं, और एक टीवी ट्रांसमिशन इतना बैंडविड्थ यूज करेगा, तो इतनी फ्रीक्वेंसी है, मैं इसका 2% यूज करूंगा तो मेरी बैंडविड्थ इतनी है, एक टीवी चलेगा तो ये चलेगा बैंडविड्थ, इन दोनों को डिवाइड करोगे इतने टीवी चल सकते हैं, इतने चैनल्स एक साथ। रिपीट है क्वेश्चन सेम, तीसरा भी रिपीट है, वो फिर से वही कह रहा है 1% ऑफ द ऑप्टिकल हाउ मेनी ऑडियो सिग्नल, सेम है, तो आप प्लीज इसको इसको और इसके एक क्वेश्चन को ये जरूर करके जाना, ये पेपर में आएगा, ठीक है यहां तक। इसके बाद है स्पेस कम्युनिकेशन, स्पेस कम्युनिकेशन हवा में अंदर सिग्नल को भेजना है, वायर यूज नहीं करेंगे, स्पेस कम्युनिकेशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्पेस कम्युनिकेशन के अंदर, स्पेस कम्युनिकेशन कई तरीके से है। पहला तरीका है स्पेस कम्युनिकेशन में कि आप सिग्नल को सीधा ट्रांसमीटर से रिसीवर सीधा भेज दो, इसको स्पेस वेव कम्युनिकेशन बोलते हैं। दूसरा, आप आयनोस्फेयर से TIR करवा दो, आयनोस्फेयर में आयंस होते हैं, सिग्नल को भेजो TIR हो जाएगा, वेव नीचे आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं स्काई वेव प्रोपगेशन। इसके ऊपर और जाना है क्योंकि अगर रिसीवर दूर होगा तो ऊपर से रिफ्लेक्ट करनी पड़ेगी, अगर रिसीवर और दूर है तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऐसी हाइट से रिफ्लेक्शन होती है ताकि सिग्नल दूर तक जा सके, तो ये गिवन है। तो पहली वेव प्रोपगेशन है ग्राउंड वेव, ग्राउंड वेव का मतलब जैसे मैं यूज कर रहा हूँ ग्राउंड वेव है, ये ग्राउंड के साथ 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 चलती जाती है, कोई ये थोड़ा ना कि आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर आपको लेक्चर सुनाई दे रहा है, ये ग्राउंड के साथ ही चल रही है, बहुत लो रेंज होती है, इसकी रेंज कम होती है, ये पहली है। दूसरी स्पेस वेव, स्पेस वेव थोड़ी दूर होती है, और फिर उसके बाद स्काई वेव आयनोस्फेयर से होती है, फिर उसके बाद है सैटेलाइट, वो बहुत ही ऊपर से होती है। तो इसके अंदर अगला क्वेश्चन जो मेंस में आएगा वो हाइट ऑफ एंटीना पे आएगा, हमने EM वेव में किया था हाइट ऑफ एंटीना, सेम डेरिवेशन है ये हाइट ऑफ एंटीना निकालने की। तो ये आपके पास क्या रेडियस ऑफ अर्थ है, ये हाइट है हाइट ऑफ एंटीना HT, और ये रेंज है D, एंटीना की रेंज है सिग्नल की D। तो इसको पाइथागोरस से हमने सॉल्व किया था EM वेव में, और ये फॉर्मूला निकाला था D का, बॉक्स में डाल लो, D इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 HT R, HT का मतलब हाइट ऑफ एंटीना, ठीक। इस पे क्वेश्चन आएगा, दो एंटीना है, एक ट्रांसमीटर है जिसकी हाइट HT है, एक रिसीवर है जिसकी हाइट HR है, ठीक। तो ये अपना सिग्नल यहां तक भेज सकता है, ये अपना सिग्नल यहां तक भेज सकता है, तो ये अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस DT है, ये अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस DR है। तो आपको बताना है कि क्योंकि इससे दूर अगर एंटीना कर दोगे तो अर्थ गोल है, सिग्नल जा नहीं पाएगा, तो ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट का मतलब सीध में जाना, तो डायरेक्ट मिनिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करने को कहेगा। तो अगर आप DT निकाल दो DH निकाल दो, ये पाथ और ये पाथ अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, तो आप इन्हें ऐड कर देना तो DM आ जाएगा, DM का मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस को DM लिखते हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, एक बार ये ट्रांसमीटर का लेंगे DT ट्रांसमीटर का, एक बार किसका रिसीवर का, इस फॉर्मूले के ऊपर पक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये बता रखा है कि आयनोस्फेयर जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव को रिफ्लेक्ट कर देती है, अल्ट्रा हाई वेरी हाई को इसमें से पार हो जाती हैं, और मीडियम फ्रीक्वेंसी तो इसमें एब्जॉर्ब ही हो जाती हैं, ये बताया हुआ है, ये करने की जरूरत नहीं है, सीधा एक लास्ट फॉर्मूला नोट करेंगे कि जो आयनोस्फेयर है उसमें से वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, TIR होता है, सारी वेव वापस नहीं आती, कुछ रिफ्लेक्ट होती हैं और कुछ सीधी चली जाती हैं, तो एक फ्रीक्वेंसी डिफाइन की जाती है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जिसका ये फॉर्मूला है, वेयर NMAX का मतलब क्या है, नंबर डेंसिटी उस आयनोस्फेयर में आयंस की कितनी होगी, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से अगर फ्रीक्वेंसी किसी भी वेव की ज्यादा है तो वेव रिफ्लेक्ट नहीं होगी, सीधा पार कर जाएगी उसे, और अगर कम है तो रिफ्लेक्ट की जा सकती है, बस ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हमें बताती है। तो ये कुछ नहीं है, इसमें फॉर्मूला आ गया, तो ये लिख दिया फ्रीक्वेंसी 20 MHz से ऊपर सैटेलाइट कम्युनिकेशन उसमें चलेगी, ये बता दिया। इसके अंदर ये क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन NCERT का पेपर में,
ट्रांसमिटिंग एंटीना एट द टॉप ऑफ द टावर हैज अ हाइट ऑफ गिवन, एच टी गिवन है, ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट गिवन है और रिसीविंग एंटीना की हाइट गिवन है. क्या निकालना है? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम ताकि एल ओ एस मोड हो, लाइन ऑफ साइट, डी एम निकालना है. तो एच टी गिवन है, एच आर गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है. आंसर बोला मैंने आपको, सीधा लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस निकालना, सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर आएगा. ठीक, अनसॉल्व प्रॉब्लम एक बार ट्राई कर लेना इनकी. यहाँ तक ये करने के बाद देखो क्या पेपर में आया हुआ है. पहला क्वेश्चन, कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेटिंग एट वेवलेंथ लैम्डा दे दिया, ओनली 1% ऑफ सोर्स फ्रीक्वेंसी इज अवेलेबल एज अ सिग्नल बैंडविड्थ. अभी किया ना नंबर ऑफ चैनल वाला, तो आपको वेवलेंथ गिवन है. आप यहां से इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने, सी इज न्यू लैम्डा से फ्रीक्वेंसी आ गई, इस फ्रीक्वेंसी का 1% निकाल दें, बैंडविड्थ आ गई. आपको टीवी सिग्नल की बैंडविड्थ गिवन है, तो जो आप बैंडविड्थ निकालेंगे उसको एक टीवी सिग्नल के बैंडविड्थ से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ चैनल्स आ जाएंगे. तो आज हमने यही किया कि पहले आप क्या करेंगे, लैम्डा से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी का क्या करेंगे 1% करेंगे और एक चैनल की फ्रीक्वेंसी से बैंडविड्थ से उसे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ चैनल्स आ जाएंगे. तो सेम क्वेश्चन है 1% वाला जो आज हम कर रहे थे. सेकेंड है, टीवी ट्रांसमिशन टावर हैज अ हाइट ऑफ एंड रिसीवर एंटीना की हाइट गिवन है, एच टी एच आर. अभी किया तो वही लाइन ऑफ साइट में डिस्टेंस डी एम निकाल दो. आज हमने ये किया डी एम का फॉर्मूला. मैंने बोला ना एनसीईआरटी की डायरेक्ट प्रॉब्लम्स हैं, सेम एसएल की प्रॉब्लम्स आ रही हैं. नेक्स्ट देखो, मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी गिवन है 10% ऑफ कैरियर वेव. देखो मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एफ एम, और ये जो विच इज 10% ऑफ कैरियर वेव, तो यहां से एफ सी कैन बी कैलकुलेटेड. एफ सी आ गया, एफ एम आ गया. इफ अनदर ए एम स्टेशन अप्रोचेज यू फॉर लाइसेंस, आप मान लो गवर्नमेंट है और आपको पता है आपका एफ एम एफ सी कितना है, आपसे कोई और स्टेशन वाले आते हैं कि भाई हमें भी रेडियो स्टेशन दो, हम कौन सी फ्रिक्वेंसी पर रेडियो स्टेशन खोलें, तो आप कौन सी फ्रिक्वेंसी अलॉट करोगे, ये क्वेश्चन है. तो एक काम करते हैं, पहले आप ये देखें कि आपके पास क्या रेंज अवेलेबल है, तो आप मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाल लें, एफ सी माइनस एफ एम, एफ सी प्लस एफ एम. पर पहले आप एफ सी निकाल लें. एफ ऑफ सी क्या होगा इसमें, 10% ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी 250, सॉल्व करके कैरियर फ्रीक्वेंसी 2500 आ जाएगी. तो एक काम करें, मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकाल लें, एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम, सॉल्व करके ये रेंज आ गई. तो मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाल दी आपने, तो आपको पता है कि ये मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज आपके पास अवेलेबल हैं और ये आपने बाकी रेडियो स्टेशंस को दी हुई हैं. अब एक नया रेडियो स्टेशन आता है, वो आपसे डिमांड करता है कि मेरे को भी कोई फ्रीक्वेंसी दो, तो कम से कम आप ये तो नहीं देंगे, ना ये देंगे, ना ये देंगे, ना इसके बीच की फ्रीक्वेंसी देंगे. क्यों? क्योंकि वो फिर ओवरलैपिंग हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो गई तो सुपरपोजिशन हो जाएगी, स्टेशंस खराब हो जाएंगे. तो इस रेंज के अलावा जो फ्रीक्वेंसीज हैं आप एलोकेट कर सकते हैं. तो आपके ऑप्शन में 2250, 2750 दोनों गिवन है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस ऑप्शन में 2250, 2750 तो बिल्कुल भी मार्क नहीं करेंगे. क्या बचे? दो बच गए. ठीक, तो आप जो फ्रीक्वेंसी एलोकेट करेंगे वो आपकी रेंज जो आपके पास है उससे बहुत दूर करेंगे. दूर इसलिए की जाती है क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी में अंतर होता है सुपर पोजिशन उतनी कम होती है, तो नॉइज ऐड नहीं हो पाती, दो चैनल्स ऐड सुपर इम्पोज नहीं करेंगे. जैसे ट्रैफिक चलता है, एक ट्रैफिक है हाईवे पे चल रहा है, अब दूसरा ट्रैफिक चलाना है तो साथ साथ मत चलाएं, एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें गैप डालें, डिवाइडर डालें, फिर चलाएं. बिल्कुल वैसे ही दूर दूर रखने का मतलब फ्रिक्वेंसीज को दूर रखा जाता है आपस में, ताकि दो स्टेशन आपस में सुपर इम्पोज ना हो. तो आप क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप 2900 मार्क कर देंगे या आप 2000 मार्क करेंगे. तो आप एक काम करेंगे, इसके अंदर जो रीडिंग ये आई, अगर आप 2900 लेंगे तो 2750 से उसकी दूरी कितनी है, 150 सिर्फ, और 2000 लेंगे तो दूरी कितनी है यहाँ पर, 250, तो 2000 ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 250 जो है वो
डिफरेंस ज़्यादा देगा, तो इसलिए 2250 SD 2000 वाला ऑप्शन मार्क करेंगे। तो जितना दूर ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन सही माना जाएगा, ऐसा कुछ। एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज गिवन बाय, वो देखो ना इक्वेशन आ गई, तो साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज निकालने आसान है। ये आपको क्या देगा? ओमेगा एम। ये क्या देगा? ओमेगा सी। कंपेयर कर लेना ये देखो। तो अगर आप इन्हें कंपेयर करें, ये देखो ये हमने किया था यार, अगर कंपेयर करें तो पहली इक्वेशन ओमेगा एम देगी और दूसरी ओमेगा सी देगी। आ गया आंसर, ओमेगा एम आ गया तो एफ एम आ गया, एफ सी आ गया एफ सी माइनस एफ एम, एफ सी प्लस एफ एम, तो बिल्कुल कंपेरिजन करके सीधा ही आंसर है। ठीक है यहाँ तक। ये देखो ये क्वेश्चन है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, बोल रहे ए एम सिग्नल ऐसा जा रहा है, इसमें मिनिमम एम्पलीट्यूड 8 है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 10 है, 8 10, और ये कुछ टाइम पीरियड्स के बने। आपको क्वेश्चन है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वेव की इक्वेशन बोलो क्या होगी। आज ही मैंने आपको शॉर्टकट करवाया कि ये 10 है ये 8 है, तो मैक्सिमम 10 है मिनिमम 8 है। तो एक काम करेंगे, आपकी इक्वेशन जो चलेगी वो ऐसे चलेगी, 9 प्लस समथिंग में चलेगी। क्यों चलेगी 9 प्लस समथिंग में? ये देखो, इसलिए चलेगी क्योंकि 9 प्लस समथिंग का मतलब यहाँ पर 1 है, तो 9 प्लस 1 आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देगा 10, और 9 में से 1 गया माइनस, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या आएगा? 8। आ शॉर्टकट किया था हमने थ्योरी में कि इसमें से इसे माइनस कर दिया करो ना, ये ए सी है ये ए एम है, तो ये 9 प्लस 1 10, 9 माइनस 1 8, तो सही बैठ रहा है ना 10 और 8। तो आपका आंसर कम से कम ये तो नहीं हो सकता, आपका आंसर 9 प्लस 1 में ही चलेगा। ठीक हो गया। आपको ये पता है पहली फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम होती है और दूसरी ओमेगा टी होती है, ओमेगा एम ओमेगा टी। अब ओमेगा एम ओमेगा टी में ओमेगा होता क्या है? ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। अब ओमेगा एम ओमेगा टी में दो दो टाइम पीरियड गिवन है, 100 भी और 8 भी, 100 भी और 8 भी। जिसका टाइम पीरियड छोटा है उसका ओमेगा बड़ा है, तो वो कैरियर का होगा क्योंकि कैरियर की फ्रीक्वेंसी बड़ी होती है, और जिसका टाइम पीरियड बड़ा है उसका ओमेगा छोटा है, वो ओमेगा एम होगा। तो ऑटोमेटिकली एक ओमेगा एम हो गया, एक ओमेगा टी हो गया, तो पुट करके देख लेना आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है आंसर कैसे चेक करना समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आसान है, 100 वोल्ट कैरियर वेव इज मेड टू वेरी बिटवीन 160 और 40 बाय अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, व्हाट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो आपको वेरी गिवन है 160 और 40, तो सिंपल है, 160 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और 40 मिनिमम है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाल देना आंसर, ए मैक्स ए मिनिमम। नेक्स्ट है टू डबल कवरिंग रेंज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन, रेंज होती है डी, तो हाइट ऑफ एंटीना कितने टाइम्स ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हमें फॉर्मूला जो पता है वो क्या होता है, ये फॉर्मूला पता है डी और एच का, तो अगर आपको डी को डबल करना है तो हाइट को 4 टाइम्स करना पड़ेगा, तभी आंसर डबल में आएगा। ये करने की जरूरत नहीं है, अगर डी डबल करना है तो एच को 4 टाइम्स कर दो, आंसर 4 टाइम्स। ठीक। वेवलेंथ ऑफ कैरियर वेव इन अ मॉडर्न ऑप्टिकल फाइबर, अभी करवाया मैंने ऑप्टिकल फाइबर की वेवलेंथ, अच्छा मैंने फ्रीक्वेंसी करवाई थी उसमें वेवलेंथ पूछ ली, याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, 1260 से 1225 इसका कुछ नहीं कर सकता मैं, याद करना पड़ेगा। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर इज कैप्ट बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना। लाइन ऑफ साइट में डीएम गिवन है, मैक्सिमम दूरी गिवन है 50, हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना गिवन है, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना निकालना है। तो देखो डीएम गिवन है 50 किलोमीटर को मीटर में, हाइट ऑफ एच ऑफ टी निकालना है, एच ऑफ आर गिवन है, आंसर। आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, SL वाले ही सेम कॉन्सेप्ट है। फिर देखो ए कॉस ओमेगा टी सिग्नल इज ट्रांसमिटेड यूजिंग वी नॉट साइन ओमेगा टी एज अ कैरियर वेव, करेक्ट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होगा? मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, पर इतना पता है कि जब भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा उसमें पहली फ्रीक्वेंसी जो प्रेजेंट होती है वो क्या होती है? ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा। दूसरी क्या होती है? ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा। ओमेगा नॉट कैरियर फ्रीक्वेंसी है इसमें, और तीसरी ओमेगा नॉट, ओमेगा एम तो होती नहीं। ए आंसर ऐसे नहीं होएगा, ये सॉल्व है, 10 ट्रायल है, बस फ्रीक्वेंसी देख के आंसर मार्क हो जाएगा। ठीक, सुपरपोजिशन मत करना इनकी वेव्स की। ठीक, तो सीधा आंसर आ गया।
फिजिकल साइज ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटीना, देखो ये तो मैं कर नहीं पाऊंगा, फिजिकल साइज ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटीना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैरियर फ्रीक्वेंसी, ये तो फैक्ट्स हैं, तो थ्योरी का क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन मॉड्यूलेशन इंडेक्स का है, सिंपल, ये ऑप्टिकल फाइबर आया हुआ है, मैच द फॉलोइंग, कि रडार में क्या यूज होता है, जैसे ईएम वेव में क्वेश्चन करते थे, सोनार में क्या होता है, मोबाइल फोन में क्या होता है, ये आपको ऑप्शन मार्क करना है, प्रीवियस ईयर पेपर में मिलेंगे आपको। फिर वही चीज़, सी टी गिवन है तो ओमेगा एम आ गया, एम टी गिवन है ओमेगा एम आ गया, ओमेगा सी ओमेगा एम मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाल दो, ये भी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो इसका एम्पलीट्यूड भी गिवन है, ए एम और ए सी भी आ जाएगा, ए एम आ गया ए सी आ गया, तो यहाँ से सॉल्व करके मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैन बी कैलकुलेटेड, म्यू एम आ जाएगा। और 10% वही बैंडविड्थ चैनल निकालो, 1%, 10%, 2%, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, बस आपको आइडिया समझ में आ गया, आपको सबसे पहले एसएल ही करनी है, वो करने के बाद ही पुराने पेपर करना, तो ही बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी, ठीक।